नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 जुलाई से होने वाले बदलाव के बारे में। 1 जुलाई से होने वाले बदलाव का असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ने वाला है। दरअसल इस बदलाव के बाद से कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से आपको असर देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस दिन से EMI महंगी हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी की यदि हम बात कर लें तो इसमें ट्रेंडिंग में होने वाले बदलावों के बाद से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर आप डीमैट अकाउंट आपके पास है तो उसमें भी बदलाव होने की बात कही गई। साथ ही साथ पैन और आधार से जुड़े कामों का आप जल्द से जल्द निपटारा कर लें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं 1 जुलाई से होने वाले बदलावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट गेटवे और ऑनलाइन कारोबार करने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड को सेव नहीं कर पाएंगे। बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेन देन को टोकन के इस्तेमाल का प्रावधान किया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि 1 जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंकों के लिए ग्राहकों के कार्ड की डिटेल सेव करने की पूरी पाबंदी लगा दी जाएगी। नए नियम लागू होने के बाद से ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां अपने ग्राहकों की कोड डिटेल अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने से आम आदमी का डाटा सुरक्षित हो सकेगा। क्रिप्टो करेंसी पर देना होगा पैसा। 1 जुलाई के बाद से IT अधिनियम की धारा 194(a) के तहत क्रिप्टो करेंसी के लिए लेन देन के नियमों में बदलाव किया जाएगा, जिसके तहत 10,000 रुपये से ज़्यादा लेन देन करने पर 1% का चार्ज लिया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एक्सटेट के जरिए TGS के डिस्क्लोजर मापदंडों की सूचना जारी कर दी है। बता दें कि अब इस नए नियम के तहत NFT या फिर डिजिटल करेंसी करेंगे तो आपको TDS कटेगा, यानी कि अलग से पैसे देने पड़ेंगे। आधार पैन लिंक नहीं किया तो देना होगा पैसा। 1 जुलाई 2022 के बाद से आपको दोगुना पैसा भरना पड़ सकता है। बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद से पैन आधार नहीं जुड़ सकेंगे। अगर आप जुड़वाना चाहते हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ सकता था। इसके पहले यह जो नियम था उसमें 500 रुपये का निर्धारित राशि जो है वो देने की बात कही गई थी। बढ़ सकता है काम का घंटा। 1 जुलाई के बाद से सरकार नया लेबर कोड जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि 4 नए लेबर कोड लागू होने के बाद कामगारों के लिए काम के घंटे बढ़ सकते हैं। अब जो लेबर कोड लागू होगा उसमें 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अब कंपनियां अपने कर्मचारियों से 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम करने को कह सकती है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इसके बदले में सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। आपके बैंक खाते में मिलेंगे पैसे। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए लेबर कोड के बाद से यह कहा जा रहा है कि कामगारों को इनहैंड सैलरी में भी कमी आ सकती है। नए लेबर कोड के अनुसार कंपनियां अपनी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर कम से कम ग्रॉस सैलरी का 50% करना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि PF और ग्रेच्युटी में कर्मी का योगदान बढ़ जाएगा और इसकी सैलरी में इन मदों में अधिक राशि की कटौती होने लगेगी। कहा जा रहा है कि यह नया नियम आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन वर्तमान में जो पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है उसमें 7-10% की कटौती हो सकती है। दोपहिया वाहनों की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 1 जुलाई के बाद से दोपहिया वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि हीरो मोटरकॉर्प की माने तो आने वाले दिनों में हीरो अपने वाहनों में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि महंगाई और रॉ मटेरियल की कीमतों में तेजी के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनियों ने यह फैसला लिया है। बता दें कि कंपनियों के हिसाब से दोपहिया वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। AC भी होगा महंगा। कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद से AC भी महंगा हो जाएगा। बता दें कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE ने एयर कंडीशन के लिए एनर्जी रेटिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। बता दें कि यह बदलाव 1 जुलाई के बाद से दिखने लगेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि नई एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर जारी निर्देशों को लेकर अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में AC की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब गिफ्ट पर देना होगा TDS। गिफ्ट को लेकर जारी नए नियम के अनुसार 1 जुलाई 2022 के बाद से व्यवसाय से प्राप्त होने वाले 10% की दर से
टैक्स डिडक्ट एक्ट सोर्स देना पड़ेगा। बता दें कि यह टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए TDS तब लागू होगा जब वो किसी भी कंपनी के लिए मार्केटिंग के उद्देश्य से उन्हें दिए गए प्रोडक्ट को वो रखते हैं। अगर कंपनी का वह प्रोडक्ट कंपनी को वापस लौटा देते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें TDS नहीं देना होगा। रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद से घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। बता दें कि महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव को लेकर फैसला लेती है। बता दें कि LPG की कीमतें टैक्स के कारण हर प्रदेश में अलग अलग होती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि टैक्स की दरों में उतार चढ़ाव के कारण सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। डीमैट अकाउंट का KYC अपडेट नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए KYC पूरा कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि डीमैट खाता में KYC करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 था, लेकिन बाद में इसे बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड ने अपने समय सीमा में बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद से 30 जून कर दिया गया। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो 30 जून के बाद से उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थे 1 जुलाई से होने वाले बदलाव, जिसका असर हमारे और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।